बरेली के ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद में जिला उपाध्यक्ष राजन उपाध्याय के नेतृत्व में धन्यवाद यात्रा निकाली गई। राजन उपाध्याय ने बताया कि जिस तरह उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का भरपूर साथ दिया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। आज देख ही रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं। अभी हाल ही के चुनाव में उत्तर प्रदेश की और देश की जनता ने हमारे कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को बहुत ही सहयोग दिया और हमारे हर जगह प्रत्याशियों को भरपूर वोट दिया। हालांकि हम कई जगह हार गए, लेकिन हम इससे कतई भी घबराने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए हम लोग अब आगे बढ़े हैं। जिस तरह भीषण गर्मी में देश की और प्रदेश की जनता ने हम लोगों को पोलिंग बूथ पे आके वोट दिया, उसी तरह हम भी इस भीषण गर्मी में, हमारे नेताओं का कहना है, हमारे जननायक राहुल गांधी जी का कहना है कि घर घर जाके धन्यवाद लोगों को देना है। पब्लिक इस बात को मुतमईन है, इस बात से कि देश को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पिछले 10 साल में धर्म के नाम पे बांटा है, उस चीज को भारत की जनता जान चुकी है। यही कारण हुआ कि ये जो गलत गलत बातें कह रहे थे और अपने को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे थे, उस हिसाब से इनको सीट नहीं मिली और इनको बहुमत नहीं मिला। वो बात अलग है कि इन्होंने सरकार बना ली। एक बार और जनता ने बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि सच सच होता है, झूठ ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। और 10 साल आपने झूठ कह के सत्ता को पाया था, अब झूठ कह के, क्योंकि प्रदेश की हो या देश की हो, वो जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। और मैं इसी से बात को कहना चाहता हूँ कि जो देश की और प्रदेश की जनता ने हमें सहयोग दिया और भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया, मैं उसके लिए अगर 100 बार 1000 बार धन्यवाद कहूँ वो भी कम है। और मैं फिर आप ही के चैनल के माध्यम से देश के प्रदेश की सारी जनता को, 140 करोड़ से ज़्यादा जनता को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, जिसने हमें वोट दिया और जिसने नहीं दिया, क्योंकि ये जनता है हमारी, ये हम लोग भाई बहनों की तरह रहते हैं, हम एकता में रहते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ बस, कि एक बात भारतीय जनता पार्टी को जान लेनी चाहिए कि ये देश गंगा जमुना तहजीब में रहना पसंद करता है, ये धर्म के नाम पे कभी नहीं लड़ेगा और आप कभी लड़वाने में सफल नहीं होंगे।